हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम का हमारा जो क्लास 11th का फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, उसमें हम पढ़ रहे हैं अभी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट पार्ट, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट आपने पढ़ा है और कुछ लंबा गैप के बाद आपको सेकेंड पार्ट उसका मिल रहा है। चलिए ठीक है, तो हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं आज। और फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा होगा कि हम वहाँ पढ़े थे सेंट्रीपेटल फोर्स, CF, सेंट्रीपेटल फोर्स। और यदि आपने वो वीडियो देखा होगा ध्यान से, तो आपको याद होगा मैंने लास्ट में आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रीपेटल फोर्स पर डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन और किस तरह के उसमें क्वेश्चन बनते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। और यदि आपने नहीं देखा है तो इससे पहले आप सर्कुलर मोशन के फर्स्ट पार्ट का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा बेसिक क्लियर किया है। आज हम उसको थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है उसका वैल्यू F=mv²r होता है। और ये जो F का वैल्यू है mv²r, इसी के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपेटल फोर्स मस्ट बी नेसेसरी। यदि किसी बॉडी के पास सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है तो वह सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखना। और सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स है उसका रिसोर्स कोई और फोर्स होता है, किसी और फोर्स से। सपोज इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो वहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है उसको, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। एंड फॉर एनी सैटेलाइट द मोशन ऑफ सैटेलाइट इज सर्कुलर, एंड द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज हियर सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब यदि सैटेलाइट को हमको घुमाना है तो यदि अर्थ का सेंट्रीपेटल फोर्स ना हो ग्रेविटेशन का, वो नहीं घूम सकता। दैट मीन्स मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी बॉडी के सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स जरूरी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स का किस तरह से बिहेवियर होता है। थोड़ा हम इसको और दूसरे ढंग से पढ़ें, इसका कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल देखें। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वी को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो m/r इक्वल टू हो जाएगा F/v², इधर ट्रांसफर F/v² हो जाएगा। और सपोज यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि किसी टू बॉडीज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। सपोज हमने इसको सपोज कर लिया कांस्टेंट, तो जब हम इसको कांस्टेंट सपोज कर लेंगे तो उस कंडीशन में दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा m/r इक्वल टू k सपोज कर लिया, दैट इम्प्लाइज m इक्वल टू k इंटू r, देयरफॉर m इज प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि k कांस्टेंट है। इक्वल साइन को हटा देंगे यहाँ से, ये कांस्टेंट बन जाएगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो m प्रोपोर्शनल टू r। और ये जो रिलेशन है m प्रोपोर्शनल टू r, ये हमको बताता है कि m1/m2 इक्वल टू r1/r2, m1 और m2 में ये रेशियो होगा। तो इस फार्मूला के बेस से हम मास के अकॉर्डिंग उसके रेडियस का रिलेशन बना सकते हैं। जैसे क्रीम सेपरेटर क्रीम सेपरेटर क्या होता है कि आपको मालूम है कि ये एक बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, कि हम दूध को क्रीम से अलग करने के लिए इस प्रकार का डिवाइस यूज़ करते हैं। ये हम या रोटर है बीच से घुमाते हैं, या तो हाथ से घुमाते हुए आपने घर में देखा होगा मक्खन निकालने के लिए, या बड़े बड़े मशीन होते हैं जब लार्ज स्केल में अपने को करना होता है। तो जो भी हो, यहाँ हमको इसको रोटेट करना पड़ता है, और जब हम इसको यहाँ से घुमाते हैं तो इसमें जो मिल्क और क्रीम का जो मिक्सचर है वो सर्कुलर मोशन करता है। अब वहाँ पर आप देखो कि उसमें फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों में हमें उतना ही फोर्स, ऐसा तो नहीं कि क्रीम के पार्टिकल में अलग फोर्स लगा रहे हैं मिल्क के पार्टिकल, फोर्स तो कांस्टेंट है। एंड वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि एक साथ मिक्स हैं तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि क्रीम सेपरेटर क्या करता है, क्रीम को अपने सेंटर में, ये सपोज ये मैं रेड इंक से बना रहा हूँ, इसको आप क्रीम सपोज कर लो, तो ये क्रीम को क्या करता है,
सेंटर में कलेक्ट कर लेता है। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में घरों में भी ऐसा देखा होगा कि क्रीम क्या होता है, सेंटर में इकट्ठा हो जाता है और जो मिल्क के पार्टिकल हैं, ये मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं, मतलब क्रीम मिल्क से अलग हो जाता है। तो इसका रीज़न हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होने का रीज़न क्या है, यहाँ पर देखो कि इस फार्मूला को मैं यूज़ करूँ सपोज़, तो वन ये M1 सपोज़ क्रीम के पार्टिकल का मास है और M2 सपोज़ मिल्क के पार्टिकल का मास है और मिल्क क्रीम जिस रेडियस पर मोशन कर रहा है वो सपोज़ R1 है और ये सपोज़ R2 है। ये ध्यान रखना, फॉर क्रीम मास इज़ M1 एंड रेडियस इज़ R1, फॉर मिल्क मास इज़ M2 एंड रेडियस इज़ R2। अब यहाँ पर आप देखो कि इस फार्मूला को मैं अप्लाई करूँ तो वही देयरफॉर M1 upon M2 equal to R1 upon R2। अब नेचुरली हम जानते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ से हम जानते हैं कि क्रीम का जो पार्टिकल्स होता है, क्रीम का जो पार्टिकल का मास है, सिंस M1 इज लेस देन M2, क्योंकि क्रीम के जो पार्टिकल्स के मास हैं वो मिल्क के कंपैरिजन में कम होते हैं। क्रीम हल्का है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रीम का भी कोई वजन नहीं होता, लेकिन मिल्क के पार्टिकल्स का मास ज़्यादा होता है। तो सिंस वी नो दैट M1 मतलब मास ऑफ द क्रीम इज लेस देन मास ऑफ द मिल्क, देयरफॉर यहाँ से देखो, जब इधर यहाँ से देखो कि जब यहाँ पर M1 लेस देन M2 होगा लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा, दैट मीन्स R1 लेस देन क्या हो जाएगा, R2। अब ये बात क्या शो करता है कि मिल्क का जो पार्टिकल्स का रेडियस है वो कम होगा किसके कंपैरिजन में, इसके क्रीम के पार्टिकल्स के रेडियस, द रेडियस ऑफ द क्रीम पार्टिकल्स इज लेस देन द रेडियस ऑफ मिल्क पार्टिकल। इसलिए क्या होता है, क्रीम का जो पार्टिकल्स है वो सेंटर में आ जाता है, उसको कम रेडियस चाहिए और मिल्क को ज़्यादा रेडियस चाहिए तो दूर चला जाता है, ठीक है। तो ये क्रीम सेपरेटर का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही वॉशिंग मशीन का ड्रायर भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप सभी एग्जांपल समझ सकते हैं। वॉशिंग मशीन का ड्रायर में जब हम क्लॉथ को इस तरह से अंदर डाल देते हैं और उसको रोटेट कराते हैं, तो रोटेशन जब होता उसको होता है, रोटेटर जब उसको रोटेट करता है तो होता क्या है कि वाटर पार्टिकल्स क्या है, हैवी होने के कारण किनारे चले जाते हैं इस तरह से, और क्लॉथ के पार्टिकल सेंटर में, और यहाँ पर होता है होल, तो इससे क्या होता है, ये वाटर पार्टिकल्स रोटेटर से बाहर हो जाता है और ये जो हमारा क्लॉथ से कपड़ा है वो क्या होता है, उससे वाटर पार्टिकल्स अलग हो जाता है, वो सूखता है, ठीक है, वो ड्राई होता है। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। एक कॉमन लाइफ में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कभी आपने देखा होगा कि बच्चों के ऐसे राउंड राउंड में जो घूमने वाला झूला होता है, मेरी गो राउंड बोलते हैं शायद, जो गोल गोल घूमता है ना, तो वो उसमें आपने देखा होगा कि उसके किनारे में कुछ इस तरह के डिजाइन बने होते हैं, हार्स होता है, एलिफेंट होता है, वुडन, उसमें बच्चे ऐसे बैठ कर गोल गोल घूमते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि उसमें कोई बच्चा बैठा है तो वो उसका जो रेडियस है वो ज़्यादा होता है, वो फैल के घूमता है, लेकिन सामने सपोज़ उसका एक हार्स का जो पोर्शन है वो खाली है, उसमें कोई नहीं बैठा है, वो अंदर के रेडियस में। दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट इज इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन इट्स रेडियस विल बी आल्सो मोर। यदि किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो वो बड़े रेडियस पर मोशन करेगा और मास कम होगा तो छोटे रेडियस पर, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो ये है क्रीम सेपरेटर और सेंट्रीपेटल फोर्स के डेली लाइफ में एप्लीकेशंस, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 फार्मूला हम डिराइव करेंगे और वो तीनों इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे फर्स्ट इज मोशन ऑफ ए कार ऑन सर्कुलर पाथ और सर्कुलर रोड, मोशन ऑफ ए कार ऑन सर्कुलर रोड। मोशन ऑफ ए कार ऑन सर्कुलर रोड मतलब सर्कुलर रोड पर कार का मोशन क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है। मोशन ऑफ ए कार ऑन सर्कुलर रोड मतलब क्या हुआ इसका, कि आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जब हम इस तरह से सपोज ये कोई सर्कुलर पाथ है
अब इसमें हम किसी कार को जब इसमें मोशन कराते हैं, ठीक है, तो ये सपोज कार का पोजीशन है, ये कार है, इसको कार आप इमेजिन कर लो, ये इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है इस तरह से। तो जैसे ही ये कार सर्कुलर पाथ पर पहुंचता है तो उतने डिस्टेंस को ट्रेवल करते समय उसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा नेचुरली, क्योंकि पाथ सर्कुलर है, तो फॉर दैट टाइम इट्स मोशन इज सर्कुलर मोशन। सपोज इट्स वेलोसिटी इज वी, देन सेंट्रीपेटल फोर्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ द रोड, सपोज रेडियस इज आर, इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंटर के तरफ इसमें क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर आर। और यहाँ पर रोड का इसके टायर के साथ में जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन फोर्स है सपोज एफ, वो इस डायरेक्शन में वर्क होगा, और एम वी स्क्वायर अपन आर इसी फ्रिक्शन फोर्स से क्या होता है, बैलेंस होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि यदि एम वी स्क्वायर अपन आर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया, सपोज रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है उससे सेंट्रीपेटल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या करेगा, कार को पाथ के जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ गिरा देगा, दैट मीन कार पलट जाएगी। तो यहाँ पर सेफली पार करने के लिए ड्राइवर को अपने कार को किस मोशन से चलाना चाहिए, तो यहाँ पर नेचुरली आप समझ सकते हो, ठीक है, फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपन आर इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एस, दैट मीन्स सेंट्रीपेटल फोर्स जो होगा यहाँ पर वह फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा, तभी कार वहाँ से क्या होगा, सुरक्षित पार हो सकता है। दैट इम्प्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपन आर इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। ये हमने फ्रिक्शन के चैप्टर में पढ़ा है, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर होता है। दैट इम्प्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व कर दें तो एम वी स्क्वायर अपन आर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस, आर इज इक्वल टू एम जी, इस पर जो रिएक्शन फोर्स होता है वह उसके वेट के इक्वल होता है। ये सब पीछे आपने पढ़ा है। दैट इम्प्लाइज ये एम इस एम के साथ में कैंसल आउट होएगा, आर को उधर ट्रांसफर कर दें, वी स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इंटू जी, देयर फॉर वी इज लेस देन आर इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी। अब यहाँ पर देखो कि इस कार के वेलोसिटी को यहाँ से इसको सुरक्षित पार होने के लिए ड्राइवर को कार का वेलोसिटी को इस वैल्यू से कम रखना पड़ेगा, मैक्सिमम वह उसके इक्वल रख सकता है, दैट मीन्स वी मैक्सिमम इक्वल टू ये हो सकता है म्यू एस इंटू आर इंटू जी। ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी, इतनी वेलोसिटी से क्या करेगा यहाँ से वो पार कर सकता है मैक्सिमम। अब इस पर हम डिस्कस करें तो देखो इसका जो वेलोसिटी है वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है किस पर, म्यू एस पर, इस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन रोड एंड टायर, इट्स डजंट डिपेंड अपॉन आर एंड जी, वाई, बिकॉज आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉन्स्टेंट, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस जी विल बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट, देयरफॉर आर एंड जी इज कॉन्स्टेंट, देन वेलोसिटी कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन फोर्स। दैट मीन्स यहाँ पर जो कार का वेलोसिटी है वो रोड और टायर के बीच के फ्रिक्शन फोर्स पर डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पर देखो यदि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तभी हम वेलोसिटी को ज़्यादा रख पाएंगे, लेकिन फ्रिक्शन ज़्यादा रखने से, रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन ज़्यादा रखने से एनर्जी वेस्ट होगा, टायर खराब होंगे, रोड को रफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ एक प्रॉब्लम था इस रोड में कि वेलोसिटी कम्प्लीटली फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन कम हुआ तो वेलोसिटी को भी कम रखना पड़ता था। इस तरह से इसमें दोनों में यदि एडजस्टमेंट ना हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि बारिश के दिन में यदि रोड गीला हो, स्लिपी हो, चिकना हो गया हो, तो इस समय वहाँ पर कार के पलटने का रेशियो ज़्यादा होता है। उसका कारण क्या है, क्यों म्यू एस डिक्रीज हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाता है, और ड्राइवर उसको वॉच नहीं कर पाता कि इसके अकॉर्डिंग मेरे को वेलोसिटी भी कम रखना चाहिए, और वो यदि एक मैक्सिमम वेलोसिटी जो वहाँ पर होना चाहिए उससे ज़्यादा वेलोसिटी से अपने कार को चलाता है और वो कार पलट जाती है। तो इस तरह के रोड में सुधार करके,
इसको मॉडिफाई करके इसमें एक नया रोड बनाया गया, एक नए तरह का रोड बनाया गया, उसको बोलते हैं बैंक रोड। तो इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक रोड। बैंक रोड क्या होते हैं अभी आपको समझा रहा हूँ मैं। देखो बैंक रोड, बैंक मतलब होता है, देखो आपने कभी नेशनल हाईवे वगैरह में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग किया होगा या सामान्य रूप से आपने कोई अच्छा रोड देखा होगा कहीं, तो ये एक चीज़ महसूस किया होगा, मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक रोड। तो ये बैंक रोड क्या है ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। बैंक रोड का मतलब होता है एक साइड से झुका हुआ रोड, मतलब जैसे कोई प्लेन रोड है तो प्लेन रोड को जब सर्कुलर पाथ स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हम क्या है सर्कल के सेंटर के तरफ के रोड को डाउन कर देते हैं और सेंटर का अपोजिट सेंटर से दूर वाले को अप कर देते हैं और रोड को इस तरह से बना देते हैं। मतलब सपोज़ ये सर्कुलर पाथ है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ये रोड को हमने थीटा डिग्री से ऐसा बेंड कर दिया। ये सपोज़ एक सर्कुलर पाथ है, अब रोड ये हम रोड को थीटा डिग्री से बेंड कर दिए, ये कहलाता है बैंक रोड। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि किस तरह से यहाँ पर बैंक रोड का मतलब समझ में आ गया, मतलब झुका हुआ रोड जो सर्कल के सेंटर के तरफ नीचे हो और आउटसाइड जो हो वो ऊपर हो, थीटा डिग्री से हमने बेंड किया है रोड को, ऐसा बना दिया हॉरिजॉन्टल ऐसा होना चाहिए, रोड को ऐसा बना दिया। अब इमेजिन करो कि यहाँ पर ये कोई कार है, ये मैंने बनाया, इसको आप कार इमेजिन करो। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे देखो, इस डायरेक्शन में इसका वेट होगा mg, वेट ऑलवेज परपेंडिकुलर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो ये होगा इसका रिएक्शन फोर्स, ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो किसी भी बॉडी पर क्या होता है परपेंडिकुलर अपवर्ड होता है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में होगा इसका, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द पाथ है, तो इधर होगा। कंपोनेंट्स को ध्यान से समझना अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम वी स्क्वायर अपन आर क्या होगा, ये सेंटर की तरफ लगने वाला सेंटीपेटल फोर्स होगा। अब यहाँ पर आप देखो ये थीटा को, ये थीटा है और यहाँ पर ये जो एंगल है, यहाँ हम इसका इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा ये फ्रिक्शन फोर्स है जो रोड की तरफ होगा वो एफ एस होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये क्या होगा अल्टरनेट एंगल है, ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब जब ये थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर आर के हम टू कंपोनेंट्स फाइंड करें, आर के टू कंपोनेंट्स यहाँ पर हम देखें तो एक ये वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से, ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा होगा और उस कंडीशन में ये थीटा हो जाएगा। क्लियर, ये टोटल 90 डिग्री है तो ये जब टोटल 90 डिग्री है यहाँ तक 90 डिग्री है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना ये टोटल 90 डिग्री है तो इसके बिटवीन एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा है तो इसको थीटा होना पड़ेगा तभी 90 माइनस थीटा थीटा 90 होगा। अब इसके हम कंपोनेंट से भी फाइंड करें तो यहाँ पर देखो आर के टू कंपोनेंट्स हमको फाइंड होंगे, एक कंपोनेंट्स इस साइड में फाइंड हो जाएगा वो होगा, यहाँ पर हम एम जी के कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं, एम जी के कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं, एफ एस है तो एक मिनट है ना, ये थीटा है तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा होगा तो एम जी के टू कंपोनेंट्स, एफ एस के टू कंपोनेंट्स मिलेंगे, ये थीटा है तो चलो आर का ही लिख लेते हैं अपन पहले, ये हो जाएगा आर पास वाला है तो आर कॉस थीटा ये कंपोनेंट होगा और आर से दूर वाला ये है तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। थोड़ा मैं कलरफुल लिख रहा हूँ, रेड कलर से मैं आर के कंपोनेंट्स को लिख रहा हूँ और ब्लू कलर से एफ एस के कंपोनेंट को, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो एफ एस के टू कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ये पास वाला है इसका तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, पास वाला कंपोनेंट कॉस होता है, ऐसा ट्रिक्स में आप याद रखो, और ये दूर वाला कंपोनेंट है ये हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। अब पूरे कंपोनेंट्स को आप देखो तो यहाँ पर जो ये आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा वो एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी के साथ में बैलेंस होगा, इसके साथ में बैलेंस होगा
और यहाँ पर ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो क्रिएट होगा आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। नाउ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा इक्वल, आर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक ही है, एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा। दैट इंप्लाइज एफ एस साइन थीटा उधर ट्रांसफर करो तो एम जी इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक? अगेन एक कंपोनेंट और है अपने पास, ये जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, मतलब यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो बैलेंस है किससे, एफ एस कॉस थीटा माइनस प्लस आर साइन थीटा से। ये हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करना है। नाउ रिलेशन सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, रिलेशन सेकंड में फर्स्ट रिलेशन को डिवाइड कर दिए, तो देखो यहाँ पर m m के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड में फर्स्ट डिवाइड हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा v स्क्वायर अपन आर जी, दैट इक्वल ये होगा r साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा और अपन ये हो जाएगा r कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, सेकंड में हमने फर्स्ट को डिवाइड कर दिया, इसको आगे सॉल्व करें तो दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल, अब यहाँ पर आप देखो मैं ऊपर से आर कॉस थीटा कॉमन करता हूँ न्यूमरेटर से, तो यहाँ से आर कॉस थीटा कॉमन करूँगा, आर कॉमन हो गया, कॉस थीटा कॉमन करूँगा तो उसमें कॉस थीटा डिवाइड होगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा प्लस यहाँ पर देखो कॉस थीटा तो कॉमन हो गया और आर इसके साथ डिवाइड होकर हो जाएगा एफ एस अपॉन आर। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर से भी अपन क्या करते हैं, आर कॉस थीटा कॉमन करते हैं, तो आर कॉस थीटा यहाँ आर कॉस थीटा कॉमन हो गया तो बच जाएगा वन माइनस यहाँ पर हो गया एफ एस अपॉन आर इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमने निकाल लिया, अब दोनों आर कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो आगे इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू ये एफ एस अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू एस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू एस को पहले लिख दिया मैं, म्यू एस प्लस टेन थीटा, या अपने आर्डर में ही लिखो कोई दिक्कत नहीं इसको, टेन थीटा प्लस म्यू एस और अपॉन ये हो जाएगा वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, वन माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, उधर ट्रांसफर कर दें तो आर इंटू जी अंडर ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा, देयर फॉर वी इक्वल टू, वी निकालना चाहें तो दोनों साइड का रूट करेंगे तो वी इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। तो ये इसका वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है, ये इतने वेलोसिटी से हम क्या करते हैं कार को बैंक रोड पर मोशन करा सकते हैं, वहाँ से पार करा सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि सपोज इस रोड में फ्रिक्शन ही नहीं, अभी हमने सर्कुलर पाथ में देखा था कि रोड में फ्रिक्शन यदि हो तभी हम वहाँ से कार को पार कर सकते हैं, लेकिन सपोज हम इमेजिन करते हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि किसी रोड में फ्रिक्शन ही ना हो, सपोज वो मिनिमम फ्रिक्शन हो, हमने जीरो सपोज कर लिया इसको, तो यदि हम यहाँ पर म्यू एस को जीरो पुट कर दें तो वी इक्वल टू हो जाता है रूट ऑफ आर जी, और यहाँ पर देखो म्यू एस पे जीरो होने से ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो होगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा टेन थीटा, तो हो जाएगा आर जी इंटू टेन थीटा। ये है मिनिमम हम इतने वेलोसिटी से कार को वहाँ से पार कर सकते हैं, दैट मीन्स फ्रिक्शन लेस रोड पर भी यदि रोड में कोई फ्रिक्शन ना हो
तब भी हम इतने वेलोसिटी से कार को पार कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर बेस्ट जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं। ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। सबसे पहले आप ये फिगर को समझना है, कंपोनेंट्स को, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान देना। ये बॉडी का मास है, ये रिएक्शन फोर्स है, ये इंक्लाइन किया गया है थीटा एंगल से, थीटा एंगल से इंक्लाइन किया है। तो ये क्यों थीटा होगा, समझ गए? ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, ये थीटा हो गया। अब ये टोटल 90 है तो 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ये थीटा होगा। आर के टू कंपोनेंट्स, आर कास थीटा, आर साइन थीटा, एफ एस के टू कंपोनेंट, एफ एस साइन थीटा, एफ एस कास थीटा, और इस तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझना। वैसे ये सब आपको नोट्स में, मेरे PDF में जो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलता है वहाँ सब प्रॉपर अवेलेबल है। क्लास में आप अच्छे से समझिए और वहाँ पर उसको आप रिपीट करिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं इसके बाद, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट। मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट का मोशन का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई साइक्लिस्ट, साइकिल चलाने वाला, सर्कुलर पाथ से पार होता है, तो जब वो सर्कुलर पाथ से पार होता है तो उस टाइम में उसके साथ क्या सिचुएशन होता है। मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर पाथ, रोड कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा या आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा इस बात को कि जैसे हम साइकिल से जा रहे हैं और यदि पाथ सर्कुलर हो तो हम क्या करते हैं, विथ साइकिल अपने आप को झुका लेते हैं। मतलब एक्चुअल में साइक्लिस्ट का जो पोजीशन है वो बेंक्ड रोड की तरह हो जाता है। देखो, रोड को जब बेंक्ड किया गया है, रोड को थीटा डिग्री से इंक्लाइन किया गया है, तो थीटा डिग्री से इंक्लाइन करने से कार भी थीटा डिग्री से झुक गया। यहाँ पर साइकिल सवार खुद को झुका लेता है, मतलब इस तरह की कुछ स्थिति बनती है। देखो, अब यहाँ पर साइकिल, ये सपोज उसका वर्टिकल कंडीशन है, साइकिल सवार नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से वर्टिकल, ये साइकिल वाला है समझो, ये वर्टिकल चला रहा है इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जैसे ही सर्कुलर पाथ आता है तो सर्कुलर पाथ में क्या किया उसने, सपोज अपने आप को इस तरह से थीटा डिग्री से वो बेंड कर लिया, ये साइक्लिस्ट है, ठीक है। ये उसने खुद को क्या किया, थीटा डिग्री से बेंड कर लिया, ये उसका नॉर्मल कंडीशन था, ये उसका थीटा डिग्री से बेंड कंडीशन है। जैसे वो अपने आप को थीटा डिग्री से बेंड करेगा तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स क्रिएट होंगे, ये तो इसका वेट होगा mg, ध्यान देना m, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पर वर्टिकल इस डायरेक्शन में होगा, ये r होगा। इसके बाद सर्कुलर पाथ इधर है तो इस डायरेक्शन में इसका सेंटीपेटल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो, ये थीटा है, ये थीटा है, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये जब थीटा है, ये लाइन पैरेलल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से, तो इसके थीटा होने से क्या होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल, ये थीटा हो जाएगा। ये दो पैरेलल लाइन है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो दोनों थीटा हो गए। अब R का जो इधर कंपोनेंट होगा इस साइड में, तो R का पास वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा R cos थीटा, और R का इधर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो R sin थीटा होगा। तो ये साइक्लिस्ट पर, जैसे साइक्लिस्ट अपने आप को थीटा डिग्री से बेंड करेगा तो इस पर टू कंपोनेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, R cos थीटा, R sin थीटा। R cos थीटा बैलेंस होगा mg से और R sin थीटा बैलेंस है किससे, mv स्क्वायर अपॉन R से। तो देयरफॉर एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज बैलेंस्ड बाई आर साइन थीटा, तो दिस इज आर साइन थीटा, रिलेशन नंबर फर्स्ट। एंड एम जी इज बैलेंस्ड बाई आर कास थीटा, दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट में सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, यहाँ पर एम कैंसिल आउट होगा और अपने को मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, दैट इक्वल यहाँ पर आर आर कैंसिल आउट होएगा, साइन थीटा अपन कास थीटा टेन थीटा होगा,
देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, नाउ वी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। क्या खास बात आपको यहाँ पर दिखा कि कार बैंक रोड का फार्मूला और साइक्लिस्ट का फार्मूला सेम आया। दैट मीन्स कंपेरेटिवली अपन इसको दोनों का जब पढ़ते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि बैंक रोड और साइक्लिस्ट, एक्चुअल में साइक्लिस्ट से ही मोटिवेशन मिला कि रोड बैंक बनाना चाहिए, कि साइक्लिस्ट क्या करता है सर्कुलर पाथ में गिरने के बजाय खुद को झुका के वो निकाल लेता है। लेकिन कार तो खुद को बेंड नहीं कर सकता, फोर व्हीलर है, ऐसा तो नहीं कि इधर के दो चक्के उठ जाएंगे। तो रोड को ही क्या किया, थीटा डिग्री से बेंड किया गया। तो साइक्लिस्ट का जो सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग रोड को बेंक्ड बनाया गया, झुका हुआ बनाया गया और उसको सेफ्टी वहां से पार करने के लिए डिजाइन किया गया। क्लियर? तो यह है मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर रोड। तो ये जो मैंने थ्री टॉपिक आपको जो पढ़ाया कि सर्कुलर पाथ पर कार का मोशन कैसा होता है, फिर उसको बैंक रोड क्यों बनाया गया और साइक्लिस्ट, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर के बहुत से न्यूमेरिकल इसी से कवर होंगे। तो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं और सर्कुलर मोशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कुलर पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।